जय शंकर, हर हर शंकर। परम पूज्य स्वामी जी, साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री वी शंकर, सचिव श्री सेतु रमन, आज ही इसी मंच पर पुरस्कृत हुए स्वामी तेजोमयानंद जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री सेम पेट्रोदा जी, और इस गरिमामय समारोह में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती हूं, और उसके बाद जूरी के उन सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं जिन्होंने स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड के लिए मुझे चुना। मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र में पुरस्कार तो अनेक मिले हैं, लेकिन आज का ये पुरस्कार स्वामी जी पुरस्कार नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद है, साक्षात परमाचार्य जी का आशीर्वाद, साक्षात शंकर का आशीर्वाद। इसीलिए पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता होती है, पर आज अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं, ये आशीर्वाद प्राप्त करके मैं धन्य हुई। लेकिन इस पुरस्कार के साथ, आशीर्वाद के साथ, बहुत महती जिम्मेदारी भी चली आई है, क्योंकि जब साइटेशन पढ़ी जा रही थी तो जिन गुणों का वाचन किया जा रहा था, ये जिम्मेदारी है कि जीवन भर उन गुणों पर खरी उतरूं और उसमें से एक भी चीज ऐसी ना लगे कि जो कही गई थी लेकिन असत्य निकली। साइटेशन का वाचन संस्कृत में हुआ। शंकर जी, संस्कृत के प्रति आपकी निष्ठा और अनुराग देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है, क्योंकि शायद कम लोगों को यहां यह मालूम हो कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। सेंट पेट्रोदा यहां बैठे हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता, जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए और ध्वनि की दृष्टि से भी, जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में NONO भी नो है और KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोलें आई नो दिस तो लिखेगा INO नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका, कहीं टी साइलेंट हो जाता है तो कहीं ई साइलेंट हो जाता है। बोलते हैं, लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, वो विवेकहीन कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको। लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यहां तक कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनियां भी अलग है। इति, यदि आपने छोटा बोला तो इति, लेकिन दही, बड़ी की मात्रा बोला तो दही। तो जो बोलेंगे वो लिखेगा, जो लिखेगा वही पढ़ेगा। लेकिन केवल ध्वनि की बात नहीं, मैं संस्कृत की वैज्ञानिकता के दो उदाहरण आपको देना चाहूंगी। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रों कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है।
रुद्राष्टकम के शब्द हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे। लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी, और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं, डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहां बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 डमन ये रावण का श्लोक होगा, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। एक और उदाहरण देती हूं, आप हैरान हो जाएंगे। संस्कृत के एक रचनाकार हैं दंडी, उनका एक नाटक है दश कुमार चरितम, जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है अलग अलग। उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्रुत की। प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, एक तीर आकर उनके होंठ पर लगता है और उनका निचला होंठ कट जाता है। मित्रों, इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है, कितने ही संवाद विश्रुत बोलता है, लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है, प फ ब फ म, प फ ब फ म, दोनों होंठ मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होंठ में से एक होंठ नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। ये पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होंठ कट गया तो उसने पवर्ग का उच्चारण कैसे किया, ये कोई भी प्रश्न कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती, संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था, उसने लकड़ियां काटकर अपने सिर पर रखी हुई थी, पसीनो पसीन था। राजा ने लकड़हारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बातचीत होती थी, संस्कृत ही जनभाषा थी। तो राजा ने लकड़हारे से कहा, किमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है मित्रों, वो धातु है जो परस्मै पदी नहीं चलती, आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में 2 तरह की धातुएं हैं, परस्मै पदी चलती है बाधती बाधता बाधंती, और आत्मनेपदी चलती है बाधते बाधेते बाधंते। बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में है। तो लकड़हारा जवाब क्या देता है, भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते, कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती शब्द का अशुद्ध उच्चारण आपने किया है, ये शब्द बाधते होना चाहिए, भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही, ये जनभाषा रही है। लेकिन आज मैं शंकर जी से कहना चाहूंगी कि आपकी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर एक जिम्मेदारी आई है, क्योंकि आज संस्कृत
केवल कर्मकांड की भाषा बनकर रह गई। कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कंप्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो, हम टॉकिंग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो एक विडंबना खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कंप्यूटर नहीं आता और जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आती। इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मत कर लीजिए। साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बने, और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर के खड़ा हो, ये विषय आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए, तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी कहे ये लीजिए हम देते हैं जो संस्कृत के भी ज्ञाता हैं और कंप्यूटर के भी ज्ञाता हैं। क्योंकि अथाह भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं। आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत जानने वाले की सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरी पृथ्वी को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत बोलने वाला पृथ्वी को परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है। और ये सोच का अंतर है, क्योंकि परिवार में प्यार होता है मित्रों, बाजार में व्यापार होता है, केवल व्यापार, शुद्ध व्यापार। लेकिन ये कौन बताएगा लोगों को कि भारतीय संस्कृति में पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम तो सर्व की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व के कल्याण की कामना किसने की है, लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन ये है वो भारतीय संस्कृति जो सर्व के कल्याण की कामना करती है। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है पुस्तकों में, केवल इस कारण नहीं पहुंच पा रहा कि ऐसी भाषा में है जो भाषा मृतप्राय होती जा रही है, जो भाषा केवल मंत्रोच्चार की भाषा बन गई है कि विवाह पद्धति करानी है, जन्म मरण कराना है तो पंडित जी को बुला लो, वो भी अपना आधा अशुद्ध और आधा शुद्ध बोल के चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी कोई टोकने वाला नहीं, उनको भी कोई कहने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी आई है, आप इस काम को करें। और मैंने अभी जब आप बैठे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो 2.5 लाख का पुरस्कार आपने मुझे दिया है मैं आपको वापस करती हूँ, आप इसी पुण्य कार्य में आप उसका इस्तेमाल करें, और ये काम आप जरूर करेंगे, मुझे लगता है तभी मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।